डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। आज एक ऐसी नहर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो इतनी लंबी है कि उसे पार करने में ही जहाजों को औसतन 10 घंटे का वक्त लग जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पनामा नहर की, जो मध्य अमेरिका के पनामा में है। इस नहर के बनने की कहानी भी काफी रोचक है। 15वीं सदी में ही पनामा नहर को दरअसल बनाने पर सोच विचार शुरू हो गया था, मगर शुरुआती दिक्कतों की वजह से इस पर काम हो नहीं पाया। फिर 1881 में फ्रांस ने नहर बनाने पर काम शुरू किया, लेकिन तब भी पर्याप्त जगह नहीं होने और साफ सफाई की कमी के चलते यहाँ काम कर रहे मजदूरों की तबीयत खराब होने और मशीनों में भी खराबी के चलते फ्रांस ने बीच में ही इस काम को बंद कर दिया था। बताया जाता है कि फ्रांस ने लगभग 9 साल तक इसे बनाने का काम किया था, लेकिन इस दौरान यहाँ करीब 20,000 लोगों की जान भी चली गई थी। फिर 1904 में अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम शुरू किया और आखिरकार 1914 में उसने नहर का काम पूरा कर दिखाया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम तय समय से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन जो मानवीय और तकनीकी रुकावटें इससे पहले आईं, शायद यही वजह भी रही कि पनामा नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जल मार्गों में से एक है, जहां से हर साल 15,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। हालांकि जब ये नहर बनाई गई थी तब यहां से करीब 1,000 जहाज गुजरा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर करीब 12,875 किलोमीटर कम हो जाती है। नहीं तो जहाज़ों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें करीब 2 हफ्ते का समय तो लग ही जाता था। लेकिन अब जहाज़ इस दूरी को 10 से 12 घंटे में ही पूरी कर लेते हैं। ये दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहां किसी भी जहाज़ का कप्तान अपने जहाज का कंट्रोल पूरी तरह से पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को सौंप देता है। यकीनन किसी भी देश में नहरों की मदद से यातायात या फिर कृषि क्षेत्र के विकास में बड़ी सहायता मिलती है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पनामा नहर का योगदान बेहद खास रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com